माँ आप लोगों से मेरा प्रश्न है, ईमानदारी से बोलना, जितना तुम्हारे माता पिता ने दहेज दिया है उतने द्रव्य से तुम्हारा जीवन चल जाएगा, ईमानदारी से बोलना, 100% बोलना। देखो आप लोग घबराना नहीं, ये देखो सत्य बोल रहे लोग, नहीं चलेगा ना। तो माता पिता से इतना आप बोल देना, कहीं माँ उल्टा सिखाए कि बेटी सासू से ऐसा कह देना कि तुम सच्ची इंसान हो, माँ तो मेरी बात सुनो। यदि आपकी माँ सिखाए कि सास ससुर से हिस्सा मांगना, तुम सच्ची इंसान की बिटिया हो, तो अपनी माँ से क्या बोलोगे, सुनो मेरी बात को। बोले माँ आपने मुझे जन्म दिया है, आपका उपकार है। आपने मेरी विदाई में दहेज दिया है, वो लोक व्यवहार है, उपकार नहीं है। सुनो ध्यान से, क्या है लोक व्यवहार न कि उपकार। आपने जन्म दिया, मुझे जीवित छोड़ दिया, ये आपका बहुत बड़ा उपकार है। नहीं तो बेटियों को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा था। आपने मुझे जीवित बचा लिया है, आपने 9 मास मुझे जीवित रखा है, ये आपका उपकार है। पर मेरे दहेज में आपने द्रव्य दिया है, वो लोक व्यवहार है। माँ इतने द्रव्य से जो मेरा खर्च है जीवन का, वो नहीं चल सकता, विश्वास मान। आप मुझे सासू के प्रति भड़काओ मत, मुझे सासू के प्रति झुकाना सीखो। बेटी क्यों? बोले माँ उसने अपना बेटा मुझे जीवन निर्वाह के लिए दिया है। यदि ऐसा बेटी ने अपने माता पिता से बोलना सीख लिया और इस विषय का प्रचार कर देना चाहिए, ऐसी अपनी देवी से पूछना ये विषय। और आप तो आजकल युग चल रहा है कि ये मोबाइलों का, उसे भर लेना और पूरे देश में घुमा देना। बोले एक सच्ची बेटी अपनी माँ से क्या बोल रही है कि ये माँ आप मुझे भड़काओ मत मेरे सास ससुर के प्रति, आप इतना विश्वास, आपको तो उनका सम्मान करना चाहिए, उन्होंने अपना बालक मुझे दे करके जीवन निर्वाह दिया है, आप क्यों मुझे भड़काते हो। ऐसी बिटियां बोलने लग जाए तो किसी माता पिता की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और कहीं ऐसी आपकी मां भड़काने लग जाए तो बड़े प्रेम से कहना, मां आपने मुझे जीवन दिया है, लेकिन मां चिंता मत कर, विश्वास कर, आप मुझे जन्म दिए हो, मेरे जैसे और आपको चाहिए तो आप जन्म नहीं दे पाओगे। जिन शासन को चलाने के लिए और भारतीय परंपरा का निर्वाह करने के लिए, श्रेष्ठ नागरिकों का जन्म देने के लिए मेरी सासू ने अपनी बिटिया दी है, उसके प्रति मुझे दुर्भावना मत भरो, ऐसा कहो सद्भावना भरो, मुझे सुख दे और तुम्हें रोटी दे, उसको बहू कहो।